अब तक जो कमिटमेंट हुई सरकार की इदादोशुमार के मुताबिक वो तकरीबन 8 अरब डॉलर की है। लेकिन ये मसले तो वहीं के वहीं है, कोई खातिर फौरन में तब्दीली नहीं आ रही बल्कि कंडीशन खराब ही हो रही है। पढ़ रहा हूँ ना सोशल मीडिया पर कौन से लोग ये बात जोर दे के कह रहे हैं, निजार डार साहब को फारिग कर दे रही हुकूमत ने 200 मर्सिडीज गाड़ियों के इम्पोर्ट करने का ऑर्डर प्लेस किया। फिर ये जो कहते हैं ना कि आप अदम एतमाद लें और वो कहते हैं कि ठीक है आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, दोनों झूठ बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बात से बात के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अफीफा रॉ और मेरे साथ मौजूद है मुल्क के नामवर तज़िया का रिज़वान रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हम लोग रोजाना ना बड़ा दूर दूर बैठ के वीलॉग करते होते थे तो आज मुझे चांस मिला कि मैं रज़ी साहब को जरा अपने सामने बिठा के इनसे कुछ सवालों के जवाब लूँ। तो आज के वीलॉग में जो सबसे पहला सवाल है सर, ये जिनीवा कॉन्फ्रेंस में हमने कौन सा ऐसा मार्का मारा जो इसका इतना शोर मचाया हुआ था और हम सोच रहे थे कि पता नहीं कौन सी दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। मुझे तो कोई इसमें खातिर ख्वाह नजर नहीं आया ऐसी कोई पेशरफ, लेकिन आप बताएं आपको इसमें क्या मुस्बत चीज नजर आ रही है। देखिए इसमें दोनों चीजें हैं, मुस्बत भी है और मनफी भी है। आप सिनिसिज्म का शिकार होना चाहें तो बहुत सारी चीजें मनफी हैं, माजी का जो हमारा इसके बारे में तजर्बा रहा है। देखिए बात ये है कि इस दफा ये जो है ये इसको हमने क्लाइमेट चेंज का नाम दिया है कि क्लाइमेट के हुकूम जो जितनी भी तरक्की याफ्ता अकवाम है ये ऐसी गैसें खारिज करती हैं जिससे माहौलियाती तबाही आ गई है और उस तबाही के नतीजे के अंदर हमारे यहाँ टेम्परेचर राइज हो रहा है और उस टेम्परेचर राइज के नतीजे के अंदर फ्लैश फ्लड्स हो गए हैं। इस दफा आपने देखा होगा हमारे बलूचिस्तान का तो सारा आया ही फ्लैश फ्लड है, और फिर फ्लैश फ्लड बहुत तेजी से आता है पानी तो रास्ते में वो जितने भी कच्चे पक्के वहां पर मकान भी ज्यादातर लोगों के कच्चे पक्के ही होते थे वो सारा उड़ा के रख दिया उसने, फसलें उनकी उजाड़ दी हैं। अच्छा फिर वो पानी चूंकि गैर रवायती जगहों पे या गैर रवायती रस्तों पे आया तो उसकी निकासी का कोई इंतजाम भी नहीं है, ये भी एक बड़ी ट्रेजडी हो गई। अब हमने यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को ये कहा और अकवाम मुत्तहदा ने हमारा ये हक तस्लीम किया कि हमारा तकरीबन जनाब 40 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है तो आप इसके लिए कुछ करें। लास्ट टाइम अगर आपको मैं बताऊं तो 50 करोड़ रुपए की हमने दुनिया को डिमांड डाली थी, कमिटमेंट हुई थी तकरीबन 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की, यानी 50 करोड़ की हमने आधे अरब की इमदाद की रिक्वेस्ट डाली थी और 1.5 अरब डॉलर से ज्यादा की यानी 3 गुना से ज्यादा की लोगों ने कमिटमेंट्स कर दी। मिले कितने? हाँ ये अगला पॉइंट है, मिले कितने? 15 करोड़। ठीक है तो अब ये जो है ये हमने 16 अरब डॉलर की रिक्वेस्ट डाली है कि जनाब ये आपका हमारा आपकी तरफ निकलता है क्योंकि आपकी वजह से हमारा नुकसान हुआ है। ये 16 के बाद मुझे लगता है कि अब तक 6-7 ही मिलेंगे। हाँ नहीं नहीं अब नहीं अब मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ अब तक जो कमिटमेंट हुई है सरकार की इदादोशुमार के मुताबिक वो तकरीबन 7.5 अरब डॉलर की हुई है। अच्छा जी लोगों ने जो कमिट किया। अच्छा इसमें 2 तरह के कर्जे हैं, 4 अरब 20 करोड़ डॉलर का इस्लामी तरक्याती बैंक ने कर्ज हमें दिया है या अगले 3 साल में देने का ऐलान किया है। 2 अरब डॉलर जो है वो हमें मिले हैं वर्ल्ड बैंक से, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हम आपको 2 अरब डॉलर देंगे मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्रामों के लिए, तो 6 अरब डॉलर तो यही हो गए ना जो कि अब उसके बाद छोटे मोटे हैं 100 मिलियन डॉलर जो है वो बर्तानिया की तरफ से है। सर ये तो सारा कर्ज है ना, ये तो हमने वापस नहीं करना। नहीं 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 ये जो वर्ल्ड बैंक का है ये भी डोनेशन है लेकिन उसका खर्चा हमें उनके मुताबिक करना पड़ेगा। ये जो एशियाई तरक्याती बैंक का है ये कर्ज है लेकिन वो 20 साल के लिए वो कर्ज होता है ना और बहुत थोड़े शराय सूद के ऊपर 20 से 30 साल के लिए, तो बुनियादी तौर पे अगर ये जो रकमें हैं ये जो खासतौर पे बड़ी रकमें जो कमिट हुई हैं इनके फौरी तौर पे मिलने का इम्कान मेरे ख्याल में नहीं है, तो अगर नहीं है तो हमारा मौजूदा मसला जो है वो तो वहीं का नहीं है, वो तो वहीं का वहीं।
सर ये जो मसले है ना, हम समझते थे कि साहबदार साहब के पास ना बहुत से ऐसे जुगाड़ है कि वो हमारी इकोनॉमी को फिर भी कहीं ना कहीं पहुंचा सकते हैं। हम वीलॉग में भी हमने की बहुत ज्यादा बात की, लेकिन ये मसले तो वही के वही है, कोई खातिर ख्वाह में तब्दीली नहीं आ रही बल्कि कंडीशन खराब ही हो रही है। तो आपको लगता है कि साहबदार, और आजकल कुछ अफवाहें ऐसी चल रही है कि शायद ये साहबदार साहब को हटाया जा सके, तो आपको लगता है ना फॉर्म में कुछ दम है या साहबदार साहब को बर्दाश्त करना पड़ेगा हमें? ख्याल है कि वो जो लोग जिनकी दो तरह के लोग इस वक्त ये अफवाहें छोड़ रहे हैं कि साहबदार साहब को हटाया जा सकता है, एक तो जिन्होंने साहबदार की जगह नौकरी लेनी है। सर मैं बिल्कुल इसलिए नहीं छोड़ रही, मैं तो सिर्फ सवाल कर रही हूं। मैं आपको अर्ज कर देता हूं, मैं पढ़ रहा हूं ना सोशल मीडिया पे कौन से लोग ये बात जोर दे के कह रहे हैं कि साहबदार साहब को फारिग कर दें जी। अच्छा अब देखिए ना, एक खबर छोड़ी गई, मैं इस खबर की तरफ आता हूँ। एक तो वो लोग पहले ये कर ले, एक तो वो लोग छोड़ रहे हैं जो कि साहबदार साहब को फारग करके खुद आना चाह रहे हैं, और दूसरे वो लोग हैं जिनको फारग करके साहबदार साहब आए हैं। अच्छा दोनों पे ही मिफ्ता इस्माइल साहब भी पूरे हो सकते हैं। हाँ तो नहीं, मिफ्ता साहब की वापसी तो मुश्किल हो जाएगी, वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं उन्होंने कर दी है या उनके खिलाफ भी MLN के अंदर से हो गई है, उनकी वापसी मुश्किल लग रही है। उन्हें चुप कर जाना चाहिए था तो वापसी ज्यादा मुमकिन होती। लेकिन अब आ जाइए वो खबर की तरफ। सुबह सुबह हमारे एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट दोस्त हैं, बहुत प्यारे नफीस पोपले से हैं, उन्होंने खबर छोड़ी कि जनाब, अच्छा मेरे पास ये खबर वैसे रात को आ चुकी थी, मैं एक शादी में था, वहां पे एक दोस्त फोन करी गए खैर मैंने अटेंड कर लिया। तो उन्होंने कहा आपको पता ही इतनी बड़ी खबर है, मैंने कहा मैं सुबह विलाप करूंगा। तो वो सुबह जनाब हम जब उठे तो हमारे उन दोस्त का ट्वीट पड़ा हुआ था कि हुकूमत ने 200 मर्सिडीज गाड़ियों के इम्पोर्ट करने का ऑर्डर प्लेस कर दिया। 200? अच्छा, अब जो रात मेरे पास खबर आई थी वो ये थी कि हुकूमत ने नहीं पाकिस्तान से, मर्सिडीज ने ये बताया है कि पाकिस्तान से 165 गाड़ियां जो हैं, मर्सिडीज ने बताया, BMW ने बताया, BMW आई सीरीज की 165 गाड़ियां बुक हुई हैं। अच्छा, और FBR कहता है कि ये गाड़ियां जो हैं ये टेक्सटाइल के जो है ना आइकॉन, मतलब क्या उन्हें कहें, टेक्सटाइल के टाइकॉन्स जो हैं, उन्होंने बुक करवाई। क्यों? टेक्सटाइल वालों ने गाड़ियां बुक करवाई हैं और वो भी इतनी सारी। हाँ क्यों जी, क्यों बुक करवाई है? क्योंकि कोरोना के दौरान इन्होंने कमाई बहुत की थी, तो यूनिट तो ये बंद कर रहे हैं, लोगों को तो एक तरफ ये बात चल रही है कि वो यूनिट बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये बात चल रही है। अब इस बात को उठा के ना तो लोग शुरू हो गए कि जनाब देखें ये हुकूमत इम्पोर्ट कर रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरा मतलब है, अच्छा पाकिस्तान के अंदर और मर्सिडीज गाड़ियां इम्पोर्ट, पाकिस्तान के अंदर मर्सिडीज गाड़ियां इम्पोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि आपको पता है मर्सिडीज जो इस दुनिया में मार्केट हो रही है और अमेरिका में जो बिक रही है वो मेड इन पुणे इंडिया है। ठीक है, पुणे के अंदर जो उनका असेंबली प्लांट लगा हुआ है वहां किया, अब अमेरिका में भी मर्सिडीज मेड इन पुणे इंडिया बिक रही है, पुणे उनका जो शहर है वहां की मंडी। अमेरिका की तो क्या बात है सर, अब तो वहां सोविनियर्स जो है ना वो मेड इन चाइना होता है, मेड इन चाइना होता है। लेकिन जो वो अगर वो इंडियन मेड गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में आएगी तो दोहरा स्कैंडल बनेगा, तो लिहाजा हम BMW की तरफ जा रहे हैं, इसका वजह तो ये था। लेकिन आप देखिए, मेरा मतलब है कि हम इशू को किस तरह हैंडल करने की कोशिश करते हैं या डील करने की कोशिश करते हैं या रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। सर लेकिन ये बताएं आप, ये मर्सिडीज BMW को तो छोड़े, सबसे ज्यादा तो ये बताएं पंजाब असेंबली में जो इस वक्त इशू है उसको कैसे डील करें? अब देखिए पंजाब इतनी नारेबाजी हो रही है, सारे को छोड़िए, हर कोई कहता है हमारे पास नंबर गेम सबसे ज्यादा, लेकिन कोई एतमाद का वोट लेने को नहीं राजी, और कोई अदम एतमाद करने को नहीं राजी, तो ये हम किसकी मान? इसका मतलब ये है कि दोनों झूठ बोल रहे हैं। तो मैं आपको बचपन से एक तलाक सा बच्चा था ना, उसने कहा कि दादी अम्मा मैं आपसे एक पहेली पूछूं, तो अगर आप हार गई तो आप मुझे आइसक्रीम लेके दें। उसने कहा कि हाँ पूछो बेटा। तो चलाकू बच्चा कहने लगा कि 5 ऊंट जा रहे हैं, तो सबसे आगे वाला ऊंट कहता है मेरे पीछे 4 ऊंट है। ठीक है, कहते सबसे पीछे वाला ऊंट कहता है मेरे आगे 4 ऊंट है। तो उन्होंने कहा वो भी ठीक है। उसने कहा लेकिन दरमियान वाला ऊंट कहता है मेरे आगे भी 4 ऊंट है, पीछे भी 4 ऊंट है, वो कैसे कहता है? दादी अम्मा ने काफी सोचा, फिर उसने कहा ठीक है बेटा तू आइसक्रीम खा ले, मुझे बता कि वो कैसे कहता है। कहता दादो वो झूठ बोल रहा है। तो ये जो कहते हैं ना कि आप अदम एतमाद लें और वो कहते हैं कि ठीक है आप अदम एतमाद की तहरीक लेके आए, इसका मतलब है कि दोनों के पास
फिगर पूरे नहीं है और दोनों झूठ बोल रहे हैं। और मतलब ये है कि जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होता हमें इनको ऐसी बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये इतना अनसर्टेनिटी प्रिवेल करेगी। बेसिकली पिछले इतने महीनों से भी तो कर रही है, अदलिया जो है वो मजीद गंद डालेगी और अदलिया के जरिए वो गंद डालने का मंजर पैदा किया जाएगा। और आपको पता है कि वो फिर बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं जो हमने यहाँ पे नहीं करनी। हम वो नहीं करते, लेकिन एक चीज और बता रहे, ये अफवाह भी चल रही है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान में कोई मसले में सच शुरू हो गया, इनमें कितनी सच्चाई? देखिए, इसकी वजह ये है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी पूरी तरह शिकार के ऊपर, जैसे शिकारी नहीं निकला होता वो निकली हुई। बलूचिस्तान में उन्होंने बाप के बहुत सारे एमपीएस को, मेरे 3 MPs को एक गो के अंदर, उन्होंने उसके अंदर शामिल किया है एक गो के अंदर 5-6 MPs वो ले उड़े हैं। इसी तरह 12 के करीब MPs कहा जा रहा है PTI के वो साउथ पंजाब में ज्वाइन करेंगे। उनको बचाने के लिए एक नई पार्टी लॉन्च होने जा रही है, अलीम खान का सरमाया होगा और तरीन की जनाब मैनूवरिंग होगी, ठीक है, तो एक नई पार्टी लॉन्च की जाएगी। साउथ पंजाब टारगेटेड होगी, कुछ बलूचिस्तान और अपर सिंध के कॉन्स्टिट्यूएंसीज को भी हिट करेंगे। तो ये एक नया मास्टर प्लान जो है वो मार्केट में डाला गया है। लेकिन हमें ये पता है कि पैसे के जोर के ऊपर पहले भी इस तरह की पार्टियां आई लेकिन वो सर्वाइव ना कर सकी, सस्टेन ना कर सकी, तो शायद ये भी ना कर सके या कर जाए। सर, लीडरशिप पैसा बेशक हो, लेकिन अगर लीडरशिप ना हो तो हम नून लीग का ये बन हाल देख रहे हैं कि मियां साहब जब से बाहर गए हैं, इवन मरियम नवाज यहाँ काफी अर्सा मौजूद है, लेकिन ना तो मरियम को खलापुर कर सकी और मियां साहब जितना पैसा तो किसी के पास भी नहीं है, तो ये पार्टियां क्या करेंगी? आपकी भूल है वैसे, लेकिन चले काफी सारा तो है। लेकिन देखे ना, मियां साहब ने जब उनकी पार्टी जो है वो अपोजिशन में गई तो उन्होंने शाहिद खाकान अब्बासी साहब को मतलब कि इज्जत देने के लिए या आगे बढ़ाने के लिए उन्हें चीफ ऑर्गेनाइजर मुकर्रर किया था पार्टी का। शाहिद खाकान अब्बासी एक दिन आके PMLN के ऑफिस में ना इस्लामाबाद में बैठे हैं ना लाहौर में बैठे। सर, तो वो मीडिया पे भी नजर नहीं आते। मैं आपसे अर्ज करता हूँ ना, फिर उन्हें ऑर्गेनाइजर के तौर पे पूरे मुल्क की सैर कर दौरे करने चाहिए थे। उन्होंने मरी के बाहर कभी कोई दौरा नहीं किया। अब उनकी जगह पे मरियम नवाज शरीफ को ऑर्गेनाइजर भी बनाया गया और सीनियर नायब सदर उनके बराबर का बना दिया गया। उनसे सीनियर नायब सदर का उदा छीना नहीं गया, तो फौरी तौर पर उनको फिर शिकवे याद आ गए और उनका जो पिंडीवाल ग्रुप है जिसके अंदर मरियम औरंगजेब भी शामिल है और ये सारा PMLN का पिंडीवाल ग्रुप है ना, वो फौरी तौर पे एक्टिव हो गया। अगर देखें जनाब, ये मरियम नवाज शरीफ को आगे लाया गया है शाहिद खाकान अब्बासी की कॉस्ट के ऊपर भी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने पिछले 2.5-3 साल के अंदर जब से PMLN जेरे ताब आई है और जब से वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑर्गेनाइजर बने हैं, उन्होंने क्या किया है? बिल्कुल ठीक है ना। और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया और वो कुछ नहीं करने को तैयार, वो इसी दुख को लेके बैठे हैं कि प्राइम मिनिस्टर तो मैं बनता था, शहबाज शरीफ को आखिरी वक्त में आपने नामजद कर दिया। अब ये भी साबित हो गया कि प्राइम मिनिस्टर जो थे उनकी नामजदगी जो थी वो नवाज शरीफ को किसी और ने कही थी। बिल्कुल ठीक है, अब उनसे गिला तो नहीं बनता। अब आपके वो अंकल हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपके तो वो अंकल हैं, आप उनसे गिला करें, ठीक है, अंकल से गिला करें, इनसे तो कोई गिला ना करें। खैर, ये एक अपनी जगह के अंदर इस वक्त ना ख्वाजा आसफ हो गया, ये राणा तनवीर हो गया, इस तरह के जितने लोग हैं इनमें सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ की पोटेंशियल लीडरशिप के खिलाफ जो बगावत की थी वो निसार अली खान ने की थी। बिल्कुल। और निसार अली खान अब PTI में नहीं है, वो PMLN में भी नहीं है, वो PTI में भी नहीं जा सके, वो कहीं के भी नहीं है, ठीक है। इस वक्त तो जो बाबे जो हैं वो इस वक्त PMLN में, देखिए भुट्टो साहब के बाद जब बेनजीर भुट्टो ने पार्टी टेक ओवर की थी तो इन्होंने बहुत सारे बाबे फारग किए थे अगर आपको याद हो, और उनमें बड़ी लेदे हुई थी अखबारात के अंदर, उन बाबों ने बड़े आर्टिकल लिखे थे, लेकिन वो अंकल उसने फारग कर दिए थे। मरियम नवाज शरीफ को भी ये काम करना पड़ेगा, लेकिन मरियम नवाज शरीफ के साथ एक एडवांटेज है और वो एडवांटेज ये है कि उनके वालिद साहब हयात है, बेनजीर भुट्टो के वालिद साहब हयात नहीं थे, लेकिन मरियम के वालिद साहब हयात हैं,
और पाकिस्तान में ये दूसरी खातून होंगी कि जो एक पॉलिटिकल लेगेसी को लीड करेगी। हम बांग्लादेश मॉडल बनने जा रहे हैं, वहां पे भी किसी जमाने में हुसैना वाजिद और खालिदा ज़िया दो खवातीन थी जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज को हेड करती थी, तो यहाँ पे भी शायद मुस्तकबिल के बांग्लादेश मॉडल बना तो इनको तो फिर बहुत बोल्ड फैसले लेने पड़ेंगे। बोल्ड फैसले लिए बगैर हमारा सर्वाइवल ही नहीं। और बाय द वे ये जो बोल्ड फैसले कहा जाता है ना, सख्त फैसले, ये वो फैसले होते हैं जिसमें आपका और मेरा रगड़ा निकालना होता। बिल्कुल ठीक है, अब इनको तो फर्क नहीं पड़ता। बोल्ड फैसले आप ले, सुई के ऊपर जो लोहे के दुनिया के सबसे बड़े जखायर हैं और साथ में गैस उसके नीचे है, ये बोल्ड फैसला ये है कि वो निकालने का फैसला करें और पूरे रिसोर्सेज उधर झोंक दें। हाँ। कि वो अगर लोहा और वो गैस निकल आती है उसी गैस से आप लोहे को पिघलाएं, साफ करें और दुनिया को एक्सपोर्ट करें। बोल्ड फैसला तो ये है। इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर सोने की और तांबे के इतने अरब खरब हाथ डॉलर के जखायर है। बोल्ड फैसले ये है कि आप उनकी एक्सप्लोरेशन करने का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन वो तो आप नहीं कर रहे। बोल्ड फैसला कि जो जो करप्शन कर रहे हैं उनको लटकाएं। हाँ वो तो खैर अदालतों ने करना है, लेकिन बोल्ड फैसला ये है आटा 150 रुपए किलो का है। ठीक है, बोल्ड फैसला भाई फिटे ही वो आपका महंगा करते जाएंगे आप। बोल्ड फैसले ये है कि जिससे मेरा और फीफा का किचन का गया कर, वो बोल्ड फैसले, ये नहीं बोल्ड फैसले, ये घटिया फैसले हैं। बोल्ड फैसले ये हैं कि जो देखिए ना गरगरी एक बहुत बड़ी गैस फील्ड है केपीके के अंदर, वहां के रहने वाले लोगों को ना रोजगार है ना वहां से गैस मिल रही। बोल्ड फैसला ये कि आप ऐलान करें कि इस गैस फील्ड की जितनी इंस्टॉलेशन है वहां पे इस इलाके के लोगों को रोजगार मिलेगा। बोल्ड फैसले तो ये है बोल्ड फैसले। बोल्ड फैसला ये नहीं है कि आप जो है वो चीनी की कीमत जो है वो 80 रुपए से बढ़ा के 120 रुपए कर दें और कहें कि जी हमने बड़ा बोल्ड फैसला ले लिया। टैक्स की शरह बढ़ा के आप 15% से 45% तक जो बोल्ड फैसला करते हैं, बेसिकली हमारे जो सियासतदान है वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की सोचते हैं ना, वो पाकिस्तान की सोचते हैं ना वो आम आवाम की सोचते हैं, वो सिर्फ अपने वोट बैंक को पक्का कर रहे हैं। देखिए अपना आपकी बात बिल्कुल बजा है कि वोट बैंक की भी शायद वो नहीं सोच रहे होते, वो अपनी सियासत की और अपने अगले इलेक्शन की सोच रहे होते। वही ना कि मतलब अपनी सियासत चमका लें कि वो वोट बैंक जो इतना उनका वोट बैंक है वो पक्का हो जाए। हाँ। तो उनको वो वोट मिल रहे हैं, बाकी सारे जाएसोल्यूटली राइट। चलिए आज देखिए पंजाब असम्बली से क्या नतीजा सामने आता है और तो जो भी नतीजा सामने आएगा हम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आज हमने ये प्रोग्राम एक दफ्तर में बैठ के किया है जो हमारा दोनों का मुश्तरका दफ्तर है। अगर आपको पसंद आए तो फीडबैक जरूर दीजिएगा। और आज आपने देखा होगा कि मैंने रजी साहब की बात कम काट लिया, तो बेहतर जो है वो कम्युनिकेशन हो गया। अगर हम पास पास बैठेंगे तो फिर बात काम नहीं काटने की बहुत कम आएगी, तो और ऑडियो का लेवल भी सेम मिलेगा। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनको रजी साहब की आवाज तो ठीक आती है और मेरी शायद ठीक नहीं आती। तो नाज़रीन आज के व्लॉग से हम इजाजत चाहेंगे। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।